इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सोलापुर। सोलापुर हैदराबाद महामार्गावरील दोड्डी तांड्याजवळ दोन दुचाकीच्या समोरासमोर अपघातामध्ये एक दुचाकी चालक गंभीर जखमी होऊन उपचारादरम्यान मरण पावला आहे। हा अपघात रविवारी सायंकाळच्या सुमारास घडला असून रफीक इब्राहिम मकानदार वय वर्ष 45 राहणार गिरडी घरकुल हैदराबाद रोड असे मयत झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे। वेलकम टू डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जहां हम बनाते हैं मजबूत बुनियादें और संवारते हैं बच्चों का मुस्तकबिल। 10 एकड़ के विशाल कैंपस के साथ ये स्कूल सोलापुर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। यहाँ नेचुरल फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स और बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस प्ले पार्क है। क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ डिजिटल क्लासरूम्स भी है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरेना जिसमें टेबल टेनिस, चेस और कैरम बोर्ड जैसे गेम्स है। ते रविवारी सायंकाळी 5 वाजेच्या सुमारास बोरामणी येथून सोलापूरकडे दुचाकीवरून येत होते। दोड्डी तांडा फाटा येथील भारत बेंच जवळ समोरून दुचाकीच्या दिशेने येणारी दुसरी दुचाकी धडकल्याने ते गंभीर जखमी झाले। त्यांना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र सोमवारी दुपारी 1 वाजता सुमारास त्यांना बेशुद्ध अवस्थेत खासगी रुग्णालयात नेताना ते एम्बुलन्स मध्येच मयत झाले, अशी नोंद सदर बाजार पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे। राइफल शूटिंग और आर्चरी की भी फैसिलिटीज तैयार की जा रही है। आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा सीखने के लिए लड़कियों और सभी स्टूडेंट्स के लिए टैक्वांडो एंड कराटे सेशंस रखे जाते हैं। साल भर 100 से ज्यादा मजेदार एक्टिविटीज करवाई जाती है, जिनमें कम्युनिटी हेल्पर्स डे, अजान और कीरत कॉम्पिटिशन, वेजिटेबल मार्केट डे, वुजू डे, सलाह डे, मैथ्स क्विज, एनुअल स्पोर्ट्स डे और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बस फैसिलिटीज शहर के हर कोने से अवेलेबल है। अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और बेहतर फ्यूचर के लिए आज ही एनरोल कीजिए डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में।